अक्सर ये देखा जाता है कि परीक्षा के समय छात्र छात्राओं के दिमाग में एक टेंशन चलता है, लेकिन जहानाबाद के एरोड्रम में अवस्थित एमपीसी स्कूल में परीक्षा के समय एक अलग ही खुशनुमा एवं उत्साहित माहौल देखने को मिला। जहां सेकेंड टर्म परीक्षा की शुरुआत हुई, बच्चों के चेहरे खुशी से खिल रहे थे और आप देख सकते हैं बच्चे कितनी तन्मयता से, उत्साह से कॉपी लिखने में लीन है। विद्यालय के डायरेक्टर प्रमोद कुमार सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं घूम घूम कर मुआयना कर रहे हैं। इस अवसर पर एमपीसी स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि अक्सर परीक्षा के समय बच्चों को जो टेंशन होता है वो एमपीसी स्कूल के बच्चों में बिल्कुल नहीं दिखता। कारण है कि यहाँ तैयारी पूरी कराई जाती है। इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं इस मामले में काफी गंभीर हैं। बच्चे पूरी तरह तैयार होते हैं, क्योंकि मैं खुद बच्चों की पढ़ाई का मॉनिटरिंग करता हूं। बच्चों के पेरेंट्स से हमेशा संपर्क कर बच्चों की गतिविधि पर नजर रखता हूं। यही कारण है कि आज एमपीसी के बच्चे देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। माहौल काफी शांत एवं उत्साहित था। एमपीसी स्कूल के छात्र छात्राएं परीक्षा देने में पूरी तरह लीन थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। 27 से नवंबर से सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन संचालित हुआ है और हमारे बच्चे बहुत उत्साहित हैं। उत्साह होने का मेन कारण है सर कि इसके एक सप्ताह पूर्व हमने इन सभी को बखोरापुर ले गए थे और हमने यही शिक्षा दिया कि बेटा अगर आगे बढ़ना है तो आपको मल्टीमीडिया से दूर रहकर भक्ति में लगो। और भक्ति में एक ऐसा शक्ति है कि आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो भी हैं, जो कमजोर बच्चे हमारे हैं, बहुत अच्छा तरीका से और बिना किसी के मदद से हमारा परीक्षा दे रहा है। परीक्षा देने का कारण होता है सर कि कोई 5 क्लास यहाँ है तो 5 क्लास वहाँ बच्चा बैठा है, 5 यहाँ, मैंने कहने का अर्थ है कि एक रो में नहीं है, 6 वहाँ तो 6 वहाँ, 6 यहाँ, मैंने घुमाते फिराते सभी बच्चों में एक अद्भुत करना है कि ताकि हमारा एक मिशन है जो जहानाबाद का हर घर में का ये सो, हमारा एक ही सपना है सर कि अगर ऊपर वाला चाहे आप लोग का आशीर्वाद मिले और जहानाबाद के अभिभावकों का हमारा सपोर्ट मिले तो ये कारनामा हर घर में हो जाएगा। कब रिजल्ट है सर? ये रिजल्ट हमारा सर 18 तारीख को, 18 दिसंबर को होगा। और इस रिजल्ट में भी मैंने ऑफर दिया है सर कि जो 1-10 रैंक लाएगा ना, उसका पटना का चिड़ियाघर, संजय गांधी जैविक उद्यान, निःशुल्क मैं इन्हें ले जाऊँगा।